और आपने मेहनत करी, लेकिन कर्मों का बोझ इतना ज्यादा कि आप उसे जल्दी से तो हटा नहीं सकते। तो तुरंत हताश हो गई कि भाई मैंने तो ये भी करके देखा, मैंने ये भी करके देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। तो सूरत के अंदर दयाकुलता छा गई कि हे मालिक दया करो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा, आप दया कर दो कि मुझे भी ये जो नाम की जड़ी बूटी मिल गई, इससे मैं कमाई तो कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे जब विनती प्रार्थना सूरत जीवात्मा ऐसे करने लगी, रोने लगी, क्योंकि जब वास्तव में जब ललक अंदर से लगती है, तड़प अंदर से लगती है, तो पल पल हर पल वो सूरत अपनी निगरानी करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुझसे कोई चूक हो जाए, मुझसे कोई भूल हो जाए जिससे मेरी साधना बिगड़ जाए या मेरा नुकसान हो जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके पास धन है और आप जा रहे, तो आप हमेशा अपने रुपए पैसे पे नजर रहेगी कि भाई कोई चुरा ना ले। तो ठीक उसी प्रकार जिस जीवात्मा को ललक लगती है ऊपर की खजाने की, वो उसी प्रकार उसकी निगरानी भी करता है। तो वो धीरे धीरे उसकी निगरानी करने लगता है और मालिक से विनती प्रार्थना करता है कि भाई हमें दया मेहनत दे दो, और रोता है, गाता है, चिल्लाता है कि हे मालिक अब तो फिर से गलती नहीं होगी, भूल से भी गलती नहीं होगी, क्षमा कर दीजिए। यही याचना करते हुए सूरज जीवात्मा मालिक के चरणों में रोती, गाती, चिल्लाती ऐसे रहती है। तो विनती प्रार्थना कैसे करना है मालिक के चरणों में, ये आपको रोग आ करके मन को एकदम शांत करके करना है। सतगुरु जय गुरुदेव। सुन लो मोरी अरजिया, सतगुर सवरिया हो। चला ये चुनिया
तरफ आपको दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। जब आपके अंदर दृढ़ विश्वास हो जाए तब जाकर के धीरे धीरे आपका आपके अंदर विराह स्वतः ही उत्पन्न होने लगेगी। आप धीरे धीरे आप एक मिनट बैठे आज, कल दो मिनट बैठे, तीन मिनट बैठे, चार मिनट बैठे, पांच मिनट बैठे, ऐसे धीरे 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 करके फिर देखोगे आप में आंतरिक बदलाव आने लगा। आप अपने आप का अवलोकन करो, किसी और का नहीं, खुद का। जब अवलोकन आप करोगे, जब खुद का अवलोकन इंसान करता है तब उसे वास्तव में सच्चाई पता चलती है कि मैं कहाँ हूँ, मुझसे कहाँ पे गलती हो रही है। और फिर जब वो गलती आ जाए, मालिक ने कहा कि देखो अपने आप का अवलोकन करते रहो और जो गलतियां हैं उसे छोड़ते जाओ, उसे छोड़ते जाओ। जब सारी गलतियां छूट जाएंगी तब दया मेहर मिलने लगेगी। लेकिन क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे जीवात्मा जब ऐसे करती है, एक एक गलतियां छोड़ती जाती है, एक एक गलतियां छोड़ती जाती है, तो फिर भी कुछ नहीं समझ आता। फिर भी तब यहाँ पर लोग अपना धीरज खोने लगते हैं, क्योंकि अब ऐसा क्या हुआ उसे तो मालूम नहीं कि भाई अभी तो मेरे अंदर मुझे लग रहा है कोई गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं, मेरे हिसाब से मैं अंतर से साधन भजन भी कर रहा, अंतर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या गलती है। ऐसा भी समय आता है कि जब आपको लगेगा कि मेरे अंदर तो अब तो कोई कमी लग नहीं रही, कुछ भी नहीं, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा, तो आप क्या करें। तो वो समय तो सबसे बड़ा धीरज का समय होता है, वो समय। और आप लगन लगाओ तब जाकर के विराह आपके अंदर स्वतः उत्पन्न होगी। और विराह जब उत्पन्न होती है तो इतना ज्यादा होती है वेग, इतना ज्यादा कि आप संभाल नहीं सकते। लोगों के अंदर इतना दया मेहर आ जाती है कि फिर से प्रार्थना करना पड़ता है कि मालिक थोड़ा सा कम कर दो। तो वैसे जो दया मेहर मिले, क्योंकि ये बार बार नहीं होता, तो दया मेहर अगर आपको ज्यादा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसे पचाने की क्षमता रखें। मालिक से विनती प्रार्थना ये न करके कि कम कर दीजिए, ये करिए कि मालिक इसे हजम करने की क्षमता बढ़ाइए। ऐसे नहीं कि मालिक दया थोड़ा सा कम कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको बोलना है कि मालिक ये जो दया आ रही है, दया मेहर, मुझे इतना तेज सुनाई दे रहा, इतना सब कुछ दिखाई दे रहा, मैं इससे डिस्टर्ब हो रहा हूँ या कैसे भी, तो उसके लिए आपको बोलना है कि मालिक दया मेहर कर दीजिए, इसे मैं अपने अंदर पचा जाऊं, ये क्षमता बढ़ाइए मेरे अंदर। नहीं कि आप बोल दो कि मालिक थोड़ा कम करिए, अरे घंटा संघ की आवाज ज्यादा हो गई, थोड़ा सा कम करिए इसे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको मालिक से विनती प्रार्थना करनी है कि मालिक मेरे अंदर क्षमता दीजिए कि मैं ये जो आवाज आ रही है, ये जो चीज दिख रही है, इसे हजम कर जाऊं, इतनी क्षमता बढ़ाइए। तो इस तरह से आपसे विनती प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। जब आप विनती प्रार्थना कर लोगे धीरे 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 करके, तब आपको चीजें मिलने लगेंगी। अब जब आपको मिलने लगी, आप देखे कि पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मुझे अंतर में थोड़ा सा दिखाई देने लगा। थोड़ा सा जब दिखाई देने लगा, देखा कि मुझे हल्का सा ऐसे नीला या सफेद प्रकाश हल्का सा यहाँ पे दिखाई दिया, तो आपके अंदर थोड़ा सा और लौ बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे आप क्या करोगे, आप और उस पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, मन आप का शांत होने लगेगा। आप जब धीरे धीरे देखोगे तो वो धीरे 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 करके वो बड़ा होता है, और बड़ा होता है, अभी कुछ दिख नहीं रहा लेकिन वो बड़ा होता है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे एक गुफा की तरह से किसी किसी को लगने लगता है कि हाँ आगे है कुछ, लेकिन ये गोला सा दिख रहा है और आगे होगा कुछ समझ नहीं आता। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो और अंतर में एक स्फूर्ति आती है, तो साधक क्या करता है, अधिक से अधिक साधन भजन करने की कोशिश करता है, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, क्योंकि उसके अंदर जब असली लगन लगती है तो वो चाहता है कि उसके बाहर
क्या है वो देखे। जब धीरे 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 करके और मालिक से विनती प्रार्थना करेगा तो वो और एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे गुफा है और गुफा के ऐसे दरवाजे पर वो स्वयं खड़ा है, और अंतर में मालिक से विनती प्रार्थना करने लगेगा तो जाकर के धीरे से वो खुलता है और सफेद होता है। तब अंतर की चीजें आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगी। और इधर आपने दाहिनी ओर देखा, दाहिनी ओर आपने अपनी कान लगाई तो आवाज भी आपको सुनाई देने लगी। तो वो जो आवाज सुनाई देने लगी तो आप पहले पहचान नहीं पाते, तो आप पहचान नहीं पाते तो मालिक से विनती प्रार्थना करनी है। मालिक से विनती प्रार्थना करनी कि हे मालिक दया मेहर कर दो, ये जो आवाज आ रही है इसे मैं पहचानू, इसी में मैं लय हो जाऊं। तो मालिक विनती प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आप वो आवाज आप छाट सकोगे, वो सुनाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। अब भाई इतने पर जब आप देखने लगे सुनने भी लगे तो कभी कभी क्या होता है, सूरत जीवात्मा थोड़ा सा बाहरी झुकाव ज्यादा होता है, कुछ बाहरी झुकाव भी हो जाता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि ऊपर आसानी से आप चले जाओ। बहुत सारी चीजें आपके आसपास होती हैं जो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, और लोग यहाँ भी चांस रहता है कि फिर जैसे थे वैसे फिर हो जाओ। तो इसलिए कहते हैं अपने आप की निगरानी करना बहुत जरूरी है। फिर से आपने देखा, अरे फिर से दिखाई देने बंद हो गया, अभी तो कुछ दिखाई दे रहा था, अब फिर से बंद हो गया, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप फिर से लगन लगाओगे, फिर से उसे खोलने की कोशिश करोगे, तो ये स्थिति ना आए इसलिए अपने आप की निगरानी करनी है। जब आप निगरानी करने लगोगे, मालिक से विनती प्रार्थना करने लगोगे कि हे मालिक भाव बना दो, मैं अंतर में गिरूं नहीं, अंतर में ही मैं चलता जाऊं और ऊपर की चीजें दिखाई दे सुनाई दे और मैं उसी में रम जाऊं, तो ऐसे धीरे धीरे करके मालिक दया मेहर करेंगे और आपको अंतर की चीजें दिखाई देने लगेगी। पहले स्थान पे आप पहुंच गए, वहां की चीजें आपने देखी और मस्त हो गए, उसी में मगन हो गए, आए गए तो आप वहां पे पहुंच गए। तो ऐसे एक दिन में नहीं कि आप दूसरे पहुंच गए, तीसरे पहुंच गए, चौथे पहुंच गए, ऐसे नहीं, आप पहले स्थान पे पहुंच गए, आपने देखा वहां प्रणाम किया, वहां पे बातें की, मालिक से विनती प्रार्थना किया, फिर यहाँ पे आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, तो ऐसे लगातार कई दिन ऐसे होता रहा तो आपका जो यहाँ तक का रास्ता है वो पक गया। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया तो हो गया, आपने सब कुछ देख लिया, अब तो करने की कोई जरूरत नहीं, आपको आपकी साधना को पकाना होता है। आप पहले स्थान पर पहुंच गए, फिर आप धीरे धीरे वहां तक आओ जाओ, और जब आपको लगे कि हाँ अब तो बहुत बड़े आराम से मैं आ जा रहा हूँ यहाँ तक, तो आगे चलने की कोशिश करिए। मालिक से विनती प्रार्थना किया कि हे मालिक दया मेहर कर दीजिए और इससे आगे चल, तो मालिक ने दया मेहर कर दिया कि भाई चलो ठीक है, आगे का रास्ता मिल गया आपको, मालिक के साथ आप आगे पहुंच गए। अब आप दूसरे स्थान पे पहुंच गए, वहां की चीजें देखी, वहां की चीजें सुनी और आए, यहाँ पर आए, फिर से गए, फिर आए, फिर गए, तो देखा कि अब तो जीवात्मा बड़ी जल्दी से वहां पहुंच जाती है और जल्दी से यहाँ पे आ जाती है। तो ये इसको बोलते हैं कि आप धीरे 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 एक स्थान को पकाना, दूसरा स्थान को पकाना, इसी तरह अपना कंठस्थ करते जाना। जब आपका पांचों हो जाएगा तब आपकी दिव्यता, आपके अंदर इतनी स्फूर्ति आती है, वो जो अंतर साधना जब साधक चीजें ऊपर मिलने लगती हैं, तो ये जो शरीर भी है ये दैवी तरह से हो जाती है, इसमें जो उष्मा होती है वो अलग होती है, ये ऐसे जैसे गर्मी लगती है ये वाली नहीं, वो अलग होती है, इसमें से आपको ऐसा लगेगा कि इससे ऊर्जा निकल रही है, ऐसे लगेगा कि ऐसी कौन सी ऊर्जा निकल रही है, लग तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन आती है, शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम आपको भाने नहीं होगा
कि यहाँ पर कोई चीज है जो बैठी है। एकदम शरीर हल्का हो गया, आप आ जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो और देख रहे हो सारी चीजें, मालिक की आवाज सुनाई दे रही है, मालिक से बातचीत कर रहे हो और सारी चीजें आप देख समझ रहे हो। तो ये स्थिति आती है, ये धीरे धीरे धीरे, लेकिन इतनी जल्दी समय में नहीं आती, ये बहुत टाइम लग जाता है। मैं जब साधना शुरू से करना शुरू किया तो मालिक की विशेष दया में रही, तो धीरे धीरे ऐसे लगन थी, लगन लगाए थे, मालिक की प्रार्थना करते रहते और खेलते कूदते भी छोटे थे तब भी लगे रहते थे, मतलब हमेशा याद तो वही रहता था कि करना है, देखना है, अंदर देखना है क्या है। मालिक की ये बताते हैं, 10-12 साल के थे तब की बात बता रहे, और अंतर में मालिक देखते भी थे और सुनते भी थे, चीजें दिखाई देती थी, कभी कभी खुले आंखों से भी दिखाई देता था। तो धीरे 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 ऐसे होता था, तो मालिक की अपार दया में रही। लेकिन अब क्या होता है, जब आपकी एज बढ़ने लगती है तो सांसारिक चीजें हावी होने लगती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मन ज्यादा निर्मल होता है, तो बाहर की चीजें हावी होने लगती है। तो अंतर का जो प्रभाव है, अगर आपने वो लगातार शुरू नहीं रखा तो वो कम होने लगती। तो ऐसा अनुभव मुझे भी हुआ कि क्योंकि भाई अब है, बच्चा पढ़ेगा, देखेगा सांसारिक चीजें हैं, उसमें भी मन लगेगा, तो ऐसा हमको भी हुआ, चीजें प्रभावित करती रही। लेकिन मालिक की विशेष दया मेहर यही रही कि हम छोड़े नहीं, लगे रहे। हम मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों के बीच, ये निज अनुभव है। तो धीरे धीरे जब ऐसे करते रहे, लगे रहे, पढ़ाई करने गए, हॉस्टल में थे, हॉस्टल में जो लोग रहते हैं जानते हैं, वहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर वास्तव में भजन करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं, इतना शोरगुल होता है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मालिक की विशेष दया मेहर रही, उनके दया मेहर से लोगों का इंतजार करते थे, सो जाते थे, 2 बजे उठ करके भजन करते थे, सब लोग सो जाते थे, माला लेकर के लेटे लेटे सुमिरन करते रहते या भजन करते रहते, लेकिन मन लगा रहता था। और घर में भी बहुत डांट खाए हमने कि भजन में लगे रहते हो और पढ़ोगे क्या और नंबर नहीं आएंगे, क्या करोगे। लेकिन मालिक की दया मेहर रही कि घर पे यही बोला कि जिस दिन नंबर कम आ जाएंगे उस दिन तुम बोलना और बाकी मत बोलना, नंबर की ही बात है तो जिस दिन नंबर कम आ जाएंगे उस दिन बोलना, लेकिन ये चीज बंद करने की कभी सलाह मत देना। तो लगे रहे, मालिक की दया मेहर इतनी रही कि हम किताब एक बार उठाते, जो पढ़ते एक बार पूरा पढ़ लेते, पूरी किताब याद हो जाती। तो ये मालिक की दया में है। तो आप जब लगन लगाओगे अंतर से वास्तव में, तो मालिक हर तरह की चमत्कार दिखाते हैं। जब भी मालिक से मिलने की इच्छा होती थी, देखते थे मालिक जैसे घोड़ा गाड़ी, वो क्या कहते हैं, बैलगाड़ी लेके आ जाते थे, ऐसे दिखता था आंखों से सीधे। तो मालिक की बहुत अच्छा अपार दया रही, ये चीजें देख करके बहुत मगन रहते हैं, अपने में आप में मगन रहते, अपना काम करते, भजन करते, काम बस इतने था, इतने में लगे रहते। तो ये धीरे 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 धीरे, देखो अभी अंतर की चीजें नहीं देखी, लेकिन करते रहे करते रहे करते रहे, तो धीरे 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 ये चीजें आपको मिलती हैं। आप विशेष तौर से मालिक के चरणों में जब आप लगे रहोगे, मन लगाए रहोगे, अर्चना करते रहोगे, तो आपको चीजें, हर चीज मिलेंगी। कुछ होने वाला होगा आपको पता चल जाएगा, क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा, तो आपको किस बात की चिंता। अरे चिंता करने वाला जब स्वयं बैठा है तो आपको किस बात की चिंता। इसलिए चिंता छोड़ करके मालिक के चरणों में एक बार मन लगा के देखिए। जब आप मन लगाओगे वास्तव में, करोड़ पुकार करोगे, तब आपको लगेगा कि वास्तव में अंतर में कुछ है। बाकी अगर ऊपर बाहरी मन से सोचोगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ मिलने वाला नहीं,
आपको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अंतर की चीजें एहसास करनी पड़ेगी। जब आप एहसास करना शुरू करोगे, शब्दों को पकड़ना सीखना पड़ेगा आपको। जैसे आप सत्संग में बैठ गए, आप सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन कौन सा शब्द किस प्रकार से पकड़ना है वो कला आपको सीखनी पड़ेगी। जब वो आएगा तो अंतर का, जो अंतर के शब्द आते हैं वो आप भी पकड़ने लगोगे। यहाँ पर जैसे प्रार्थनाएं बोली जाती है, भैया बोलते हैं, डायरेक्ट ऊपर से प्रार्थनाएं आती हैं और यहाँ पे आपको बोलते हैं, ऊपर से सत्संग आती है यहाँ आपको बोलते हैं। तो ये ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो ये कला सिखा दे, ये अध्यात्म विद्या जो हम आपको धीरे धीरे करके, मेहनत करके, लगन लगा करके सीखनी पड़ेगी। जब आप सीखोगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में अध्यात्म क्या है, और फिर आपको लगेगा कि मेरे अंदर शब्द ही शब्द है। जब ये अवस्था आ जाए तब आप सोचो कि क्या दशा होगी अंतर सूरत की, कितनी मगन होती है। आप सोचो शब्द के भंडार में आप पहुंच जाओ, जहां शब्द ही शब्द है और शब्द की सारी रचना है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये कोशिश करनी पड़ेगी आपको, हम आपको यही कोशिश करनी है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी लगन लगानी, इतनी छोटी सी, एक काम करना है उसी में लगन लगाना है। जब लगन लग जाए तो धीरे धीरे मिलने लगेगा सारी चीजें। तो जब मालिक से विनती प्रार्थना आप करते रहोगे, तो इस बीच आपको बहुत तरीके के रोकने वाले भी आएंगे, आप रिकॉर्ड भी आएगी, लेकिन आपका जब एकदम टारगेट आपका निश्चित होता है कि मुझे वहीं जाना है, वहीं जाके ही रुकना है, तब आपको कितनी भी रुकावट आएगी, कितनी भी कुछ होगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए आपको निर्मल मन से मालिक से विनती प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। तो जब ऐसे हुआ, धीरे 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 हुआ, सारी चीजें होती गई, मालिक से विनती प्रार्थना करते रहे, दर्शन मिलते रहे, अंतर में दर्शन मिलते रहे। हमें तो नहीं पता कि कितनी बार, हमें गिनती नहीं पता कि कितनी बार मालिक ने दर्शन दिए, ऐसे दर्शन जब भी चाहते होगा। तो धीरे 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 जब मालिक ने ये लीला खेली तब भी तो थोड़ा सा झटका तो लगा, लेकिन चीजें फिर बाद में मालिक से विनती प्रार्थना करी, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते तक रोते गाते किसी तरह पता चली, मालिक ने सारी चीजें यहाँ की दिखाई। ये आप जो लोग नए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ तो हम बाहर से आए हैं, तो यहाँ पर कैसे आए वो चीज मैं बता रहा हूँ। वहां पर एक हफ्ते तक मालिक से विनती प्रार्थना करते रहे कि मालिक आपने तो ये बोला था, अब बताओ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो जाना है, आप हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे रास्ता दिखा दो, आप रास्ता बताओ और कहाँ पे हो, कैसे हो, क्या करना है मुझे। तो ऐसे एक हफ्ते रोते गाते मालिक ने फिर बाद में अंतर में दर्शन देकर बताया और दिखाया चीजें। हमें तो गांव का पता भी नहीं पता था, केवल यहाँ की सीन दिखाई, मुझे यहाँ की सीन दिखाई कि ये चीजें हैं और यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे गुरु भाई हमारे सुनील गुप्ता जी, वहाँ पे ये भी रहते थे, वहाँ पे सत्संग हुआ करता था नोएडा में, तो हम जाया करते थे। तो बताया कि देखो ये ऐसा ऐसा मालिक का अंतर आदेश आया है। तो जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि मालिक ने तो यही चीज मुझे भी बोली है, तो चलते हैं इनके साथ। तो यहाँ पर आया तो यहाँ की जो चीजें देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैं यहाँ आने के पहले यहाँ की चीजें देख चुके थे। तो सोचो आपको मालिक कैसे कैसे आपको बचाते हैं। तो विश्वास ही है, आप विश्वास करोगे तो हर चीजें आपको अच्छे ढंग से मालिक किसी न किसी रूप से आपको बताते हैं, दिखाते हैं। अगर आप साधन कर सकते हो तो साधन में दिखा देंगे, नहीं कर सकते तो आप नींद में लेटे हल्का सा आंख लगा, उसी समय आपको दिखा दिया कि देखो ये चीज। तो बहुत सी सारी चीजें,
उसके बाद जब यहाँ पर आए तो मालिक की अपार दया मेहर, इतनी ज्यादा दया मेहर हुई कि जिसका बखान हम नहीं कर सकते और ना ही अंतर की सारी चीजें बता भी सकते। ऊपर से नीचे तक मालिक ने जो बताया समझाया वो यहां पर मिला। तो चीजें आप समझो, विश्वास करो अंतर में, और जब आप अंतर से जुड़ जाओगे तो आपको इतना आनंद आएगा अंतर की चीजों में कि वो उसका बखान कोई नहीं कर सकता। अभी जैसे बैठते हैं हमें कुछ नहीं पता होता है अंतर की कौन सी प्रार्थना क्या बोलना है, अंतर में आंख बंद करते हैं मालिक से दया में बोलते हैं, शुरू हो जाता है अंतर जाना। तो जो चीजें निकलती हैं, प्रार्थनाएं जो होती हैं, सब ऊपर की होती हैं, सब मालिक शब्द बताते रहते हैं कि ये है ये है ये है। पहले अब ये आना कैसे शुरू हुआ ये भी बता देते हैं। धीरे धीरे जब मालिक से विनती प्रार्थना करते रहे तो पहले सोचो तो कितनी बड़ी मालिक की दया मेहर होती है। जब आपकी लगन लगी रहेगी, हम चलते रहते नाम लेते रहते, देखते रहते, सुनते रहते, और तो ऐसे लगता था जैसे आपको एलईडी होती है ना, आप उसमें ऐसे लिख करके आता है, चलता रहता है। आपने देखा होगा स्टेशन पे वो लिख करके ऐसे आता जाता है, तो ठीक इसी प्रकार वो सत भी लिख करके आता। सोचो कितनी बड़ी दया मेहर। तो ये मेरी ही बात नहीं है, जो मेहनत जो मालिक से लगन लगाता है, जो उसकी इच्छा रखता है वो जरूर मिलता है, ये मेरा विश्वास है। तो यही विश्वास आप सबको लाना है। अंतर में जब विश्वास आ जाएगा सारी चीजें आपकी स्वतः बनने लगेंगी। तो धीरे धीरे एक लाइन बोलते दूसरी लाइन आती, तीसरी बोलते चौथी आती, तो ऐसे तो हम बहुत पुलकित हो जाते थे एकदम खुश कि भाई आप तो कुछ चाहिए नहीं, कि ये चमत्कार नहीं तो और क्या है ना। और फिर धीरे धीरे ऐसे आप तो क्या ऐसे बैठो, अंतर में दोहे आ रहे, प्रार्थनाएं आ रही, मालिक से विनती प्रार्थना करोगे तो जो चीजें होंगी दिखा सुना भी देंगे। तो ये दया मेहर मालिक की यहां से मिलेगी। तो आप जब विनती प्रार्थना करोगे, आप जैसे बोले कि हमें नहीं हो रहा है या हमको नहीं मिल रहा है, तो कमी मालिक में नहीं है, ये हम आप में है, क्योंकि हमने उतनी मेहनत नहीं करी, हमने मालिक ने जो रास्ता दिखाया जो समझाया हमने वो नहीं किया। तो जब अगर वो किए होते तो वो चीज मिल जाती है। तो अपने अंदर वो भाव लाना पड़ेगा। और जो चीजें हैं यहाँ की, जो आगे काम होगा, तो परेशान हो जाते भाई परिवर्तन कब होगा, मालिक कब आएंगे, ये क्या कब होगा। अरे आप इसमें क्यों परेशान हो रहे, परेशानी तो आपको होनी चाहिए कि मुझे नहीं दिख रहा, मुझे कैसे दिखेगा, इस बात की परेशानी होनी चाहिए। मुझे दिख नहीं रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, कौन सा जतन करूं कि मुझे दिखाई देने लगे। और विनती प्रार्थना करते रहो, कौन जतन करो साई दिख जाए घटवा में, कौन जतन करो साई मिल जाओ घटवा में, आपको
विनती प्रार्थना करनी पड़ेगी वही मालिक से, रो के गा के। ये आप पे है कि आप रो के करते हो कि गा के करते हो। जब आप रो गाओ तब मालिक विनती प्रार्थना स्वीकार करते हैं और अंतर में सारी चीजें दिखाई सुनाई देने लगती है। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। तो जब अंतर से आवाज सुनाई देने लगेगी तो जैसे आप मीराबाई जी ने गाया, जैसे और लोगों ने गाया, वैसे आप भी गाओगे। कैसे गाओगे? झनक झनक झन कैया बाजे बाजे सा तोरा, देने लगा, दिखाई देने लगा तो मैं एकदम हस्तप्रत रह गया। सारी चीजें मुझे सुनाई दे रही, सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही और सतगुरु की इतनी महिमा, इतनी अपरंपार कि मुझे ऊपर की चीजें जब मैं देखा वहाँ पर। अब देखो यहाँ जो आप देखते हो, जितना जो चीजें देखते हो यहाँ का और वहाँ का, यहाँ जो चीजें हैं वहाँ भी हैं, लेकिन फर्क इतना है वो चेतन है, वो नूरानी है। वहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी वो भी नूरानी है। तो वो जब अचरज चीजें देखती है सूरज जीवात्मा तो एकदम हस्तप्रत हो जाती है। हालांकि आई तो वहां से, लेकिन वो बहुत दिनों के बाद जब फिर से वापस गई वहां पर, तो वहां पर देखी वो चीजें। जब वहां पर देखी तो मालिक से विनती प्रार्थना करने लगी कि हे मालिक, ये तो बहुत बड़ा अचरज है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, ये इतना बड़ा, इतना इतना बड़ा कि गणना ही नहीं। जब आप धीरे धीरे अनाम पद में पहुंचे, वहां पर आपने देखा अनामी महाप्रभु का स्वरूप देखा, प्रकाशमान स्वरूप देखा, नूरानी चेहरा देखा, तो वो जीवात्मा उसे देख नहीं सकती। इतना ज्यादा प्रकाश होता है, इतना ज्यादा कि आप देख नहीं सकते, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती। तो मालिक से विनती प्रार्थना सूरज जीवात्मा करती है और फिर मालिक दया मेहर करते हैं, अपना प्रकाश, जो खुद का प्रकाश, उसे जैसे एक पर्दा लगा दो है ना, उसमें थोड़ा सा कमी लाते हैं, एक तरह से फिल्टर समझते हो है ना, छन्नी, तो उसे कम किए तो आप देखने लगे कि हाँ ये दिखाई दे रहा। नहीं तो पहले तो कुछ नहीं दिखाई दिया, पहले तो आपको दिख रहा केवल प्रकाश, लेकिन जब उसी प्रकाश में आपने देखा धीरे 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 करके और मन लगाया मन बुद्धि चित्त से, तो उसी प्रकाश में मालिक का स्वरूप प्रकट हुआ, वो चीजें आपने देखी वहां पर। और इतनी अचरज चीजें होती हैं, सारी चीजें तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा इशारे में यही कि यहाँ जो चीजें हैं वहां भी वही, वहां भी चीजें। यहाँ का निर्माण कैसे हुआ? वहां से जब जीवात्मा सूरज जीवात्मा आई तो यहाँ पे जो जीवात्मा आई, इन्हीं जीवात्माओं से इसको बनाने वाले जो है उन्होंने पूछा कि ऊपर की रचना कैसी है। तो जैसा जैसा उन्होंने बताया, जीवात्मा तो एकदम जो सूरत थी वो भोली भाली, उसने सब बताया कि देखो देखो ऐसे ऐसे, तो उन्होंने उसी की नकल बनाई। तो ऊपर की जो चीजें हैं वो चेतन से भरी है, नूरानी है, प्रकाशित है, हर चीज में चेतन सत्ता है और अथाह है, अनंत है। जब अनाम पद पे आप पहुंच गए, वहां मालिक से मिले, सिंहासन पे विराजमान वहां पे मालिक से मिले सूरज जीवात्मा, वहां पर एकदम छोटे बच्चे की तरह मालिक के साथ खेलती रहती है और मालिक इतने प्रसन्न, क्योंकि जीवात्मा इतने दिन से वहां से गई वापस नहीं आई,
आज पहली बार जब वहां पे गई तो मालिक बहुत प्रसन्न हो गए, इतना ज्यादा कि ऐसे लगेगा कि सारी जो भी चीज उनकी है सब तुमको दे देंगे, इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कुछ भी मांगो, कुछ भी, सब दे देंगे, इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन जीवात्मा जब वास्तव में सच्चाई जान जाती है तब वो किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखती, वो केवल मालिक से यही विनती प्रार्थना करती है कि हे मालिक, आप अपनी दया दृष्टि, अपनी चरण मुझे दे दो, बस मुझे ये बाग बगीचे, ये नूरानी पौधे, ये नूरानी पेड़, ये फूल पत्तियां, ये सारी चीजें नहीं देखनी, मुझे केवल आपके चरण देखने हैं, मुझे यही चाहिए। तो इतना निर्मल भाव हो जाता है, क्योंकि गंदगी तो ऊपर जा नहीं सकती, तो निर्मल भाव जब हो जाता है तभी वहां पे जा पाते। और फिर मालिक धीरे धीरे तरह तरह की चीजें दिखाते हैं, जहां ले जाएंगे, चलो ये देखो, ये सिंधु है, ये इस नाम का सिंधु, यहाँ पे स्नान कर लो, ये चीज है, यहाँ पे स्नान कर लो, ये चीज है, यहाँ पे ये देख लो, ये अब नाम के अंदर ही बहुत सारा सब कुछ है। तो वहां पर अलग अलग देश भी है, अलग अलग चीजें भी हैं, तो लेकिन सब उसी के अंदर है, सब मालिक के मौज पे है। तो वो सारी चीजें सूरत जीवात्मा को मालिक बहुत प्रसन्न होकर के दिखाते हैं, सुनाते हैं। तो अब जब ऐसी दया मेहर मालिक की हो जाए तो जीवात्मा खुश नहीं होगी, बिल्कुल खुश हो जाएगी। जब खुश हो जाएगी तो वो नाचेगी गाएगी, तो उसको क्योंकि यहाँ की तो परवाह होगी नहीं, तो ये लगन लानी पड़ेगी अपने अंदर। तो आगे कहती है, कदम कदम पर चंदो सूरज चमके तारे हजार, निर्मल कंठ सुशोभित रागे देवे सातो सार, अद्भुत मोहन रूप सुहावन नागे सत गुरु हमार। कैसे कि देखो, कदम कदम पर वहां पे तो सूरज चंदे मुझे दिखाई दे रहे और हर तरफ तारे चमक रहे, निर्मल कंठ सुशोभित रागे देवे सातो सात। अब वहां पे जो राग रागनियां इतनी मधुर मधुर बज रही कि वो तरह तरह की सारी राग सुनाई दे रही, सब कुछ एकदम मस्त, सब कुछ की सूरत एकदम मनमोह हो गई, अद्भुत रूप सुहावन लागे सदगुर हमार। तो मालिक का स्वरूप इतना अच्छा, इतना प्यारा कि उनको ही देखते रह गए। तो ये चीजें आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, जब आप लाओगे तभी तो अंदर की चीजें देखोगे। तो अंदर की चीजें देखने की कोशिश करिए, अगर देखना है, अगर पाना है तो आप लग जाइए, और लग जाएंगे तो तुरंत मिल जाएगी। तो अभी आप ध्यान पे बैठेंगे, जगह ले लीजिए थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 जब मालिक ने दया मेहर करी, बात समझ में आई कि नाम होता क्या है, तब सुरत जीवात्मा मालिक से विनती प्रार्थना करने लगी कि हे मालिक, दया मेहर कर दीजिए, मुझे भी नाम दे दीजिए, क्योंकि ये नाम की महिमा इतना सुनने को मिल गया, इससे ये होता है, इससे ये होता है, तो मेरी भी इच्छा जग गई कि हे दाता दयाल, मुझे भी नाम दे दीजिए। तो ऐसे करते करते जब जीवात्मा धीरे 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 मालिक के प्रति खोली दो बंद दीवार, लगन लागे दर्शन की,
लगन लागे दर्शन की।